आज मेरी आखिरी मुराद कि मुझे मेरे क्रश वापस मिल जाए। यहाँ से इतने दूर चले जाएंगे कि हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। आपके पास थोड़ा सा समय है, उसके बाद आपको यहाँ से जाना होगा। मैं आ गई तेरा काल बनकर। भैया, फैसला होने से पहले हार मत मानिए। ला, मुझे मेरी मणि वापस कर दे। एक बार तुझे जिंदा छोड़ने की गलती कर चुका हूं, लेकिन मैं अपनी गलती को कभी दोहराता नहीं। अब तो जिंदा नहीं बचेगी। खत्म कर दो इसे। जानता है ना कि मेरी सारी शक्ति उस मणि के अंदर छुपी हुई, लेकिन तू भूल गया है। एक सुहागन की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका सिंदूर, और मैं अपना सिंदूर बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। गाड़ी रोको। आई सेड स्टॉप द कार। देख, गाड़ी रोक दे वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तेरे को बोल रहा हूँ गाड़ी रोक दे। छोड़ दे, छोड़। मुझे मेरी मणि वापस कर।
तुमसे आखिरी बार कह रही, मुझे मेरी मणि वापस कर दे। रुक जा, मारना नहीं। तुम्हें मणि चाहिए ना, मैं देता हूँ। और अपने अपने पति की जान बचा लो। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, दो प्यार करने वालों को अलग करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा, भोले नाथ की पूजा करके करूंगा। भोले नाथ की पूजा करके जाओ, लो लो मनी लो, मनी लो। ऐसा नहीं कर सकते भैया, मुझे पूरी उम्मीद है कि राधिका भाभी जरूर आएंगी। बस थोड़ी देर रुक जाइए प्लीज। बस कर पुरु, तू हट जा। देखना हमारी उम्मीद इस चिता पर बेजान पड़ी है।
तो बस इस उम्मीद के चलकर घाघ होने की देर है भाई। भगवान ने एक बार जो किस्मत पे लिख दिया ना, उसको बदला नहीं जा सकता। जो हो रहा है उसे होने दे, मुक्ति मिलने दे, मुक्ति मिलने दे। हाँ पुरु बेटा, जाने वाले कभी वापस नहीं आते। तू ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? मॉम प्लीज, कम से कम आप लोग तो मेरी बातें समझने की कोशिश कीजिए। भाभी जरूर आएंगी, कुछ देर और वेट कर लीजिए प्लीज। कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहा है तू? जिसकी वजह से इसकी जान गई, तुझे लगता है वो आएगी? राधिका भाभी कहाँ है आप? ओम भैया प्लीज मेरी बात सुनिए। ओम को भैया प्लीज, भैया प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ बस कीजिए।
चाहिए भैया। देखो मैंने कहा था ना भाभी जरूर आएंगी, देखिए वो आ गई। हम जीत गए भैया, भाभी हम मणि से कृष्णिया को जिंदा कर देंगी। भाभी आप मणि लेकर आई है ना? मैं नागमणि नहीं लेकर आ को जिंदा करूंगी। बस मुझे एक मौका दीजिए, बस एक मौका दीजिए, मैं नागमणि जरूर लेकर आऊं। अरे कितनी बार तेरे पे भरोसा करें हम, एक बार यकीन करके देख चुके हम। अब तुम हमारे सामने लाख बार सिर पटक पटक के भी मरोगी ना, तो अभी ये अंतिम संस्कार होके रहेगा। एक बार तो चला जाता है ना, वो लौट के नहीं आता है, वो जिंदा नहीं होता है। वो नहीं फूफा जी, मैं मरकर जिंदा हुई और मुझे पता है कि मैं कृष्ण को वापस जिंदा कर सकती हूँ। बस मुझे एक मौका दे दीजिए, बस एक मौका। ओम भैया प्लीज रुक जाइए, मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं मणि जरूर लाऊ। अभी जी आप तो ओम भैया को समझाइए ना, मुझे बस एक मौका दीजिए। ओम भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए रुक जाइए। मैं वादा करती हूँ कि मैं नागमणि जरूर लाऊंगी और अपने कृष्ण को जिंदा करूंगी, लेकिन प्लीज भगवान के लिए रुक जाइए। हर पत्नी सावित्री नहीं होती जो यमराज से अपने पति की जान वापस लेकर आ जाए। हमें इस अंतिम संस्कार को अब नहीं रोकना चाहिए। कृष्ण ने हम सबको बहुत प्यार दिया, हमें उसकी आत्मा को परेशान नहीं करना चाहिए। कृष्ण को मोक्ष मिलना ही चाहिए। अग्नि थे भैया प्लीज ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए रुक जाइए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं नागमणि जरूर लाऊंगी। छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे। चल खड़ी हो जाया। प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, प्लीज रुक जाइए ना भैया। Thank you.
कहानी फिर से अधूरी रह गई कृष्ण। आज यहाँ पर सबकी चिता नहीं जली, इस चिता के साथ साथ मेरी आत्मा भी जलकर खाक हो गई है। अब मेरे शरीर का सिर्फ एक मकसद है, बदला। जो लोग आपकी मौत के जिम्मेदार हैं, मैं उन्हें तड़पा तड़पा की मारूंगी। उन्हें ऐसी मौत दूंगी कि मौत की रूह भी कांप जाए। क्या आपकी राधिका का आपसे वादा है? आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। तो फिर आप कह सकते हो कि आपने सोचा कि मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? हमारी कहानी रही आसमां को जमीन, ये जरूरी नहीं जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले। रंग थे जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू गिरगिट की फितरत ही होती है रंग बदलना। तुम लोगों ने भी कृष्ण के जाते ही रंग बदल लिया, अपनी असलियत पर आ ही गए। भाभी जी, बिल्ली होती ना बिल्ली, उसको दूध से चाहे जितना मर्जी दूर रख लो आप, वो दूध से ज्यादा देर दूर रह नहीं पाती है। और जैसे उसको मौका मिलता है वो मलाई भी चट कर जाती है। तो अब इतनी मेहनत करने के बाद हम दो बिल्लियों को ये मलाई चट करने का मौका मिला है, तो ना चट कर जाए। हाँ जी, देखो जी, चुपचाप चिड़ी का बाप, चिड़िया मर गई सबको पाप। इसलिए चुपचाप इन पेपर्स पे साइन करो और हमें इस प्रॉपर्टी का मालिक बनाओ। नहीं, तुम लोग चाहे हमारी जान ले लो, लेकिन इन पेपर्स पे कोई साइन नहीं करेगा, समझे? ये प्रॉपर्टी तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। ये सब तो हमारा होकर रहेगा।